ये हेयर मास्क मैंने निकाला लगाने के लिए, TYC कंपनी का है। दिखा देती हूँ मैं कितना रह गया है, थोड़ा सा रह गया है ये, और इमरजेंसी में मैं आज लगा रही हूँ इसको। काफ़ी अच्छा है वैसे तो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद बना रही हूँ, क्योंकि अगेन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो चार दिन के बाद आई थिंक मैं उठी हूँ। तो जैसे ही उठी हूँ वैसे ही व्लॉग बना रही हूँ आज। और अभी अभी नहा के आई हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा हेयर मास्क मैंने लगाया। 3 दिन से कुछ भी नहीं कर रही थी, तो थोड़ा सोचा कि उठूँगी, थोड़ा सा अपने आप को अपने हुलियों को ठीक करूँगी तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और जस्ट अभी नहा के आई हूँ, थोड़ा सा अभी करती हूँ अपने फेस पे कुछ, और उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे ना लाइट नहीं आ रही है, 2 घंटे हो गए लाइट गए हुए, और इसलिए ना लाइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक लाइट नहीं चल सकती बिना बिना लाइट आए। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक वाली लाइट नहीं जल सकती। आज व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक हेयर मास्क दिखाया था। वो हेयर मास्क अगर आपकी ड्राई स्कैल्प ड्राई है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा हेयर मास्क है। जब मेरा मन नहीं करता कि कुछ मैं बना के लगाऊं तो मैं उसको लगा लेती हूँ। वैसे तो ऑयल की तरह ही है दिखने में, लगने में भी ऑयल की तरह है, बट हेयर मास्क का बहुत अच्छा काम करता है वो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर आपका आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैंने कंघी भी नहीं करी थी अपने बालों में, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। तो आज फिर मैंने इसलिए वो लगाया, और उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। खो गया था, मिल नहीं रहा था कहाँ पे है, और आज अचानक से मिल गया, तो मैंने कहा चलो यही लगा लेते, क्योंकि नॉर्मल ऑयलिंग मैं करती नहीं हूँ, और बिना हेयर मास्क के या फिर बिना ऑयल के मैं अपने बाल धोती नहीं हूँ। तो इसलिए आज ये वाला मैंने ट्राई किया है। ट्राई क्या किया है, ख़त्म ही होने वाला, बहुत बार लगाया है, शायद आंखें खोली नहीं नाचने से पहले मैंने कोई आपकी कसम मानी नहीं है। इनके क्लिप आ गई है। मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था और ये कमरे में घुसे नाचते हुए, तो वो क्लिप बन गई अपने आप ही, और इन्होंने आंखें बंद करके डांस करते हुए आ रहे थे और मैंने बना ली। तो ये आप मेरे को कह रहे हो तुम्हें मेरी कसम है तुम ये क्लिप नहीं डालोगी। मेरा एक पार्सल आज आया है। एक पार्सल 3 दिन पहले आया था, मैंने आपको बताया था। एक पार्सल ही आज आया है, इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। एक्चुअली मुझे पता है कि इसके अंदर लिप बाम है, और वो लिप बाम मैंने पहली बार मंगाया है। इससे पहले मैं बायोटिक का यूज़ करती हूँ। इसको खोल के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये आया है कैंडी मेल्ट वीगन लिप बाम। ओके, प्लम का है, रेड वेलवेट लव है नाम है इसका, और पैकेजिंग बहुत प्यारी लगी मुझे इसकी। रेड कलर का हल्का सा टिंट ये देगा आपको, मतलब मैंने रिव्यू देखे हैं इसके, उसके बाद मैंने ये मंगवाया है। और ये आया है 295 इसके MRP लिखी हुई है, बट ये मुझे डिस्काउंट पे मिला है, और आई थिंक 250 रुपये में मिला है। तो टीयर टू ओपन लिखा है, तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं। अब एक हाथ से जैसे खुल रहा है मैं वैसे ही खोल रही हूँ। ओके, तो ये आया है लिप बाम मेरा। देखते हैं इसको खोल के देखते हैं कैसा है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो आई थिंक 12 ग्राम मेरे को बताई है कि 12 ग्राम है इसकी क्वांटिटी। अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाती है 12 ग्राम। हाँ जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12 ग्राम, और टिंट भी आपको ये देगा। मैं इसको ओपन करती हूँ, तो कुछ इस तरह का है ये। और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, आई थिंक स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस है।
तो ये है ऐसा और हाथ मेरे साफ हैं, इसको हम देख लेते हैं कि, तो ये मैंने यहाँ पे हल्का सा लगाया है, तो इसका ये टिंट है, फोकस कर ले। ओके, तो हाथ पे मैंने लगाया है इसका ये टिंट, हल्का सा है, ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल डार्क हो तो लिपस्टिक की तरह लगेगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कभी, बट अभी तो मैं होंठ पे नहीं लगा रही हूँ इसको। तो ये है ऐसा, इसको बंद कर देते हैं। और हाँ, खुशबू में, टेक्सचर में और प्राइस में भी ये ऑलमोस्ट द बॉडी शॉप जो कंपनी है ना, उसका जो एक स्ट्रॉबेरी लिप बाम आता है ना, सेम टू सेम मुझे अभी ये खोल के लगा है। कलर जो देता है वो भी सेम वैसा ही है, बॉडी शॉप का जो स्ट्रॉबेरी लिप बाम है उसकी तरह, और टेक्सचर भी सेम है, प्राइस भी सेम है। हाँ, बस क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, उसकी थोड़ी सी कम होती है। उसकी क्वांटिटी का मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ, वो मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है, सब कुछ मुझे सेम लगा है। बस ये इंडियन ब्रांड है, दी बॉडी शॉप बाहर की कोई ब्रांड है, और उसके नॉर्मली तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं यहाँ के हिसाब से, वहाँ बाहर के लिए तो वो एक ड्रग स्टोर ब्रांड आप कह सकते हैं। और देखते हैं इसको लगा के, इससे पहले तो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा लिप बाम यूज़ करती हूँ। मेरे साइड टेबल पे ही रखा रहता है। इससे पहले तो मैं ना ये वाला यूज़ करती हूँ, बायो फ्रूट बायोटिक का। यार आजकल ना मेरा फ़ोन फोकस नहीं कर रहा है कुछ भी। बायो फ्रूट बायोटिक का 12 ग्राम भी इसकी क्वांटिटी है, बट ये थोड़ा सा सस्ता है, और मैं इसको ऑलमोस्ट 5 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको। मैं दिन रात मैं इसी को लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिंटेड है तो लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रात को भी मैं यही सोते वक्त जो लगाना होता है वो भी यही है। ये मेरा फिनिश हो चुका है और ऑलरेडी एक आया हुआ है, क्योंकि इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती, लिप बाम के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट भी मेरा आया हुआ है, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। 3 दिन से जो मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ ना, उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो अब मैं सब कुछ करूँगी। सारा घर अब संभलेगा। घर तो खैर संभला हुआ था, बट मैं कुछ नहीं कर रही थी। और हाँ, आपने कुकाटिल जो भी है वो, उसकी जो वीडियो है वो मैं लगा दूंगी इसी के अंदर ही, कुक के अंदर। मैं बस आती रहती हूँ उसकी वीडियो, मम्मी के घर में है और कभी तो मैं वहाँ जाके बना लेती हूँ, कभी आ जाती है तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखती रहेंगी, क्योंकि अब शैतानियाँ करने लग गया है। पहले से बैठा रहता है कमरे के अंदर कहीं मर्जी, जब उसको रात को अंदर डालना होता है सुलाने के लिए पिंजरे में, तो उसे पता चल जाता है अब कि ये मेरे को डालने वाले हैं, तो हाथ में नहीं आता है। वैसे पूरा दिन सिर्फ उसको अगर हम ऐसे करके दिखाएं ना, तो वो आके बैठ जाता है, बाकी टाइम वो नहीं बैठता है। जब उसे पता होता है कि अब ये मेरे को सोने के लिए अंदर भेजने वाले हैं। ये है मेरा दूसरा बॉक्स। घर में फ्रेग्रेंस पॉजिटिविटी के लिए मैंने धूप मंगवाए हैं, धूप ही कहेंगे, धूप नहीं कहेंगे, लोबान कहेंगे, लोबान मंगवाए हुए हैं, और देखते हैं ये कैसे निकलते हैं। इस ब्रांड से मैंने पहले भी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। आई थिंक पराग फ्रेग्रेंस करके नाम है इस ब्रांड का, जहाँ से मैंने ये मंगवाया है। अब इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं क्या निकलता है। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग आई हुई है, लोबान गट्टा नाम है इसका, पराग फ्रेग्रेंस से। तो 100 स्टिक्स आई हैं इसकी, गृह शांति एवं वातावरण शुद्धि हेतु सर्वोत्तम सर्वोत्तम। ओके, तो ये मैंने मंगाया है, लिंक मैं इसका आप लोगों को नीचे दे दूंगी। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसी ब्रांड से मंगवाया है। और किल्स 100% जम्प फ्रॉम एयर, बेस्ट फॉर हवन एट होम, मेक प्लीजेंट एटमोसफेयर।
ओके, तो इसको ओपन करके आज मैं एक जला देती हूँ। तो ये ऐसी पैकेजिंग में आया हुआ है, 100 हैं इसके अंदर, और ये इसका एक स्टैंड जो होता है ना वो भी दिया हुआ है। आई थिंक यहाँ से हल्का सा क्रैक है बट बहुत आराम से चिक जाएगा। और मैं इसको पूरे घर के बीच, बिल्कुल जो बीच में होता है ना, मैं वहाँ पे जगाती हूँ। बस इसके ऊपर एक जगा के देखते हैं कि कैसे जगता है। इस बॉक्स को जैसे ही मैंने खोला ना, वैसे ही खुशबू आ गई। ये बॉक्स इसके अंदर था ये। तो चलिए एक जगा लेते हैं। ओ, लेना है और लेना है क्या? अच्छा, एलोवेरा खाता है? हाँ, थोड़ी देर पहले ना मैंने इनको चॉकलेट डाली थी, तो थोड़ी देर पहले भी आए हुए थे, तो मैंने एक चॉकलेट डाल दी थी अंदर, पूरा डब्बा मासी लेके आए हुए थे तो वो रखा था। तो ये दो पता नहीं अब कहाँ से आए हैं, इनको दिख गई चॉकलेट बट इनको आई थिंक पसंद नहीं आ रही है इतनी। ये तो एलोवेरा खा रहा है बैठ के। क्या हाय हाय, और कुछ भी नहीं है मेरे। ए ये पत्ते भी खाने हैं? आ नहीं रहा, हाथ में नहीं आ रहा। देखे गोर आया। बादाम ले। इसको लग रहा है अंदर पार्टी चल रही है। एक वो देखिए, वो उनके घर में है। तेरे लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक हाँ तोड़ ले। वो गया, वो जा रहे हैं अब। बस इतना ही था। तुम दो क्यों बैठे हो? इसका पैर देखना, इसने कैसे रखा है अपना पैर। जा, हाय हाय, मुंह से क्या निकालता है। जा, बाकी तीन भी गए। चलो भाई, ये भी जा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको जगा दिया है और पूरे फ्लोर पे ना काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये आ जाते हैं ना, थोड़ी सी ना रौनक हो जाती है मेरे व्लॉग में। इतनी गर्मी थी बाहर, उनके साथ ही मैं बैठ गई थी, बहुत गर्मी थी, पसीने आ गए मेरे को। देखो एकदम
बट इनको कुछ खिला देती हूँ तो ये खा लेते हैं। पहले तो मुझे लगा नहीं था ये चॉकलेट खाएंगे, बट एक एक खा रहा था बैठ के चॉकलेट। और एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर कोई एक पत्ते वत्ते आए हुए हैं, वो भी खा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा तोड़ के दे दिया इन धूप में। बाकी सब तो मेरे को ठीक लगा, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और क्वांटिटी भी ठीक है और आराम से जग भी रहे हैं, नीचे का स्टैंड भी ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है जो इसकी पैकेजिंग है। फिलहाल का मौसम ऐसा है हर एक चीज़ ना सिल जाती है, तो जो पैकेजिंग है ना वो ऐसी है कि खुली हुई है, डब्बे के अंदर बंद नहीं है, ना ही एयर टाइट कोई कंटेनर है, ना ही जिप लॉक है, जिसकी वजह से हो सकता है ये जो धूप है ना वो सिल जाए। तो पैकेजिंग अभी के टाइम के लिए मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी वैसे ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, मौसम दूसरा होता तो उसके लिए भी प्रोडक्ट ठीक है, बट इसको अब मेरे को कोई जिप लॉक बैग में रखना पड़ेगा, रखे हुए हैं वैसे तो जिप लॉक बैग, उसके अंदर डाल के रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिल जाएंगे, और अगर सिल गए तो फिर जलेगा नहीं, एक भी नहीं जलेगा। चढ़ गया तेरी गर्दन पे। तो बात तो इधर से पास आ रही है तो आए लगी ना, बस अब तुम ये ना समझने की भी कोशिश में बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों नजर लग जाएगी? नहीं, इसे दर्द हो रही है गर्दन पे, चढ़े जा रहा है इसके। नहीं, मेरे बहुत चढ़ रही है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक, नीचे बैठे हुए हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टीवी में भाभी जी चल रहा है, ये इधर क्यों कर दी। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।